हेलो दोस्तों, आज हम सेफ्टी ऑफिसर से कुछ मिलवाना चाहते हैं। हाँ जीशान भाई, रजा यस यार, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सबको मेरा हेलो, मेरा नाम जीशान अहमद है, मैं बिहार से हूँ, इंडिया से। अभी मैं सऊदी अरेबिया में एज ए सेफ्टी ऑफिसर जॉब कर रहा हूँ। रजा अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद रजा अहमद का, मैं भी इंडिया बिहार से एज ए सेफ्टी ऑफिसर। एज ए नॉर्मल सैलरी अगर जब कोई फ्रेशर आता है तो उसकी क्या होती है सैलरी, आप बताएं। उसका फ्रेशर का तो पहले सबसे पहले कि लॉन्ग टर्म में नहीं आना चाहिए। फ्रेशर जो है उसको सबसे पहले शॉर्ट टर्म में, मतलब शटडाउन की जॉब के लिए या 2 या 3 महीने का कहीं प्रोजेक्ट हो तो उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आने के बाद, 2 साल के आने के बाद क्या होता है, इंसान फंस जाता है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में आते हैं तो आपका एज ए फ्रेशर काम करेंगे तो उस टाइम आपकी सैलरी कम होगी। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, इंसान को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि मेरा सैलरी कम है, ये है, वो, तरह तरह के दिमाग में आता है। क्योंकि आपके साथ जो काम करेंगे उनकी जो सैलरी है यहाँ पे आने के बाद 5,000 6,000 मतलब इंडिया की 1 लाख 1.5 लाख रुपये सैलरी होती है। अगर आप फ्रेशर रहेंगे तो आपकी सैलरी इंडिया के लमसम 30,000 35,000 रुपये आएगा। तो आप आकर यहाँ पर 2 साल के लिए फंस जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप इंडिया में ऑयल एंड गैस में LNT फैब्रिकेशन शॉप है वहाँ पर जाकर काम करें, या फिर किसी भी जो आपका सबसे पहले शटडाउन के लिए अप्लाई करें आप, मतलब कि 3 शटडाउन आप फ्रेशर है तो 3 शटडाउन आप मारे। उसमें क्या होता है ना, अगर आप शटडाउन के लिए अप्लाई करते हो तो आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि आपकी कम सैलरी होगी भी तो आपको टेंशन नहीं है। कम सैलरी होता है लेकिन उसमें OT ज्यादा होता है, OT ज्यादा होगा प्लस में आपको, इसलिए आपका लाइफ स्टाइल भी अच्छा रहेगा। आप 1 महीने 2 महीने में वापस चले आओगे, आपको टेंशन नहीं रहेगा कि मैं फंस गया हूँ, क्योंकि आपको 1 महीने में वापस आना है। तो उसमें क्या होता है, पहली बात तो क्या होता है, हम सेफ्टी ऑफिसर बनने के बाद हमारा एक ही ख्वाहिश होता है कि एज अ सेफ्टी ऑफिसर परफॉर्म करूं, सेफ्टी कोऑर्डिनेटर परफॉर्म करें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने ख्याल से निकाल दें। क्योंकि अगर आप सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करते हैं, इसके बाद बहुत सारा स्ट्रगल हमें करना पड़ता है। आपको पहली बार गल्फ के लिए जाने के लिए नीचे स्तर से जाना पड़ेगा, मतलब कि एज अ सेफ्टी असिस्टेंट, सेफ्टी टेक्नीशियन, परमिट रिसीवर, ये सब काम करने पड़ेगी। उसके बाद आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। 3-4 शटडाउन करने के बाद, और भी एज डायरेक्ट सेफ्टी ऑफिसर में शटडाउन में भी आपको मिलेगा कि जिस शटडाउन की जॉब जो होती है बहुत मेजर जॉब होती है। बस जीशान भाई, आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताएं कि अगर जो कोई भी बंदा फ्रेशर है, जब फ्रेशर या एक्सपीरियंस बंदा, बहुत से इंडिया में अपने भाई है, तो वो लोग गल्फ कंट्री कैसे आ सकते हैं, ये एक्सपीरियंस आप अपना शेयर कीजिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर अगर आप आना चाहते हैं और अपना चांसेस बढ़ाना चाहते हैं आने का तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको NEBOSH सर्टिफाइड होना पड़ेगा चांसेस बढ़ाने के लिए। क्योंकि पहले 2-3 साल पहले होता था बिना NEBOSH के सेफ्टी में आप आ सकते थे, अब बिल्कुल 0 चांस है बिना NEBOSH के आप इधर आ सकते हो। और दूसरी बात ये कि आपको इंडिया में अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन का, अगर ऑयल एंड गैस का है तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको ढूंढना है कंसल्टेंसी या ऑफिस, अच्छे ऑफिस। मुंबई में काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। दिल्ली में भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं, जसोला में, शाहीन बाग की तरफ काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं, तो वहाँ पे आप काफ़ी ऑफिसेज सर्च कर सकते हैं। एजेंट्स भी हैं काफ़ी, बट अच्छे एजेंट्स ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है कि अच्छा एजेंट पकड़े और उसके थ्रू भी काम करा सकते हैं। बट काफ़ी सारे एजेंट जो है फ्रॉड भी होते हैं, पैसा लेके आपको बस वो काम को टालते रहते हैं। अच्छा ऑफिस मिल गया, इंटरव्यू होगा, हर ऑफिस जाए, एक भी ऑफिस नहीं छोड़े कि जहाँ पे आप इग्नोर करें। हर ऑफिस जाए, सब जगह अपना CV दे, सबका कॉन्टैक्ट नंबर लें, सबके साथ फॉलोअप करें। इंटरव्यूज़ जो है ऑनलाइन भी होते हैं और ऑफलाइन भी होते हैं, जो क्लाइंट आते हैं वहाँ पे इंटरव्यूज़ लेते हैं, सारे इंटरव्यूज़ अटेंड करें, टाइम अपना वैसे मैनेजमेंट करें, सबका शेड्यूल बनाएं जिन जिन जगह पे इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, तो उस तरह से आपको अवेलेबल होकर सब जगह इंटरव्यूज़ देना है। फ्रेशर के लिए थोड़ा स्ट्रगल है स्टार्टिंग में, उसके बाद अगर एक बार आप गल्फ रिटर्न हो जाएंगे तो आपका काम इजीली हो सकता है। खासकर ध्यान रखें, जो भी ऑफिस या कंसल्टेंसी से आ रहे हैं ना, वो लाइसेंस वाला होना चाहिए। बिना लाइसेंस वाले ऑफिस से ना आए। लाइसेंस वाले से क्या होता है कि आपका प्रॉपर ऑफर लेटर आएगा, आपका पूरा जो भी वो पेमेंट लेंगे उसका रिकॉर्ड रहेगा, उसके पास टिकट वगैरह वो सब कुछ एकदम जेन्युइन देंगे। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, अच्छे से आएँ। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो या कुछ भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम लोग भी आपको हेल्प कर सके, हमारे कासिम भाई भी आपको हेल्प कर सके सभी चीज़ों में। ओके दोस्तों, ये हमारे 2 सेफ्टी ऑफिसर है जो अभी गल्फ में काम करते हैं। इन लोग का एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ये जीशान भाई 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, रजा भी 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, और मेरा एक्सपीरियंस तो आपको पता ही है कि हम पहले से ही यहाँ पर जॉब करते हैं। तो जो भी ये बताएं हैं, अगर आप गल्फ आना चाहते हैं तो उसको फॉलो कीजिए। बहुत अच्छा प्रोसेस ये बताएं, कैसे आना चाहिए, आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार मैं अपने बहुत वीडियो में बताया कि नॉलेज या जो सेफ्टी ऑफिसर आगे जाए तो नॉलेज बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन मेन सबसे बड़ा, मेन कम्युनिकेशन, आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देना है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप जॉब कर सकते हैं, जॉब बहुत है इस फील्ड में, जॉब मिलेगी, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। अभी एक वैकेंसी आएगी वहां पर 10 सेफ्टी ऑफिसर आएगा, 10 सेफ्टी ऑफिसर में जो सबसे अच्छा होगा, और पैसे भी डिपेंड करते हैं, जो सैलरी थोड़ा कम डिमांड में वो आ जाएगा उसको ले लेगा वो। नॉलेज तो होना ही चाहिए लेकिन सैलरी वगैरह भी डिपेंड करता है, जिस जो 10 में सबसे अच्छा होगा उसको वो हायर करेगा। तो ये सब ध्यान कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। हम आपको और भी ऐसा सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो हम देते रहेंगे, और भी सेफ्टी ऑफिसर से हम इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छा अच्छा वीडियो हम आपको देते रहें।